नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार है। देश में 50,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमणों का आंकड़ा, बीते दिन में दर्ज हुए 10,000 से ज्यादा मामले। केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश, विदेश से लौटने वाले भारतीयों को 14 दिन का पेड क्वारंटाइन में रखना होगा। दुनिया के अनेक हिस्सों में फंसे हुए हजारों भारतीयों को घर लाने के लिए भारत देश वापसी अभियान शुरू करने जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड न करना माना जाएगा दंडनीय अपराध, नोएडा पुलिस ने कहा। नोएडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना और स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य किया है। इसके अलावा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए लीटर बढ़ाया है। केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की घटी कीमतों का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। 2 महीनों से कम की अवधि में यह दूसरी बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला। अब 60 और 65 कट ऑफ पर होगी भर्ती, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। गाइडलाइन के साथ जल्द शुरू हो सकती है सार्वजनिक परिवहन, नितिन गडकरी ने दिया निर्देश। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन को जल्द शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस बारे में गाइडलाइन तैयार कर रही है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। गडकरी ने बुधवार को बस और कार ऑपरेशन कन्फेडरेशन के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान इस बारे में जानकारी दी। बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना योद्धाओं का होगा सम्मान, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। बुद्ध पूर्णिमा पर गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कोरोना से पीड़ित लोगों को भी याद किया जाएगा। 90 साल पुरानी दवा कोरोना के इलाज में होगी कारगर, क्लिनिक टेस्ट को मिली इजाजत। महाराष्ट्र में 90 साल पुरानी एक दवा पर रिसर्च किया जा रहा है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसके नतीजे अभी तक अच्छे बताए जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर पर लॉकडाउन का असर, अप्रैल में 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट। देश के सर्विस सेक्टर पर लॉकडाउन का असर दिख रहा है। बीते महीने इस सेक्टर की गतिविधियां रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। गाजियाबाद सरकारी अस्पताल में नर्स से छेड़छाड़ के मामले में 5 जमाती गिरफ्तार। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में नर्स से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली के तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जमातियों को क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद ही गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के बीच बेरोजगारी दर 27.11% तक पहुंची। कोरोना वायरस महामारी से पहले ही लोगों की नौकरियां जा रही थी, अब लॉकडाउन के बाद से न तो स्थिति भयावह कर दी गई है। लॉकडाउन से पहले 15 मार्च सप्ताह में जहां बेरोजगारी दर 6.74% थी, अब 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में बढ़कर 27.11% हो गई है। दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन पूरा कर चुके तबलीगी जमात के सदस्यों को घर भेजने के लिए दिया है आदेश। आदेश में यह भी कहा गया है कि निजामुद्दीन मरकज की घटना में इनमें से तबलीगी जमात को जिन सदस्यों के नाम दर्ज किए गए हैं और उन्हें जाँच के लिए उनकी जरूरत है, उन्हें दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेजा जाएगा। यूपी में क्वारंटाइन से भागने वालों के लिए 1 से 3 साल की होगी सजा। कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया तो जुर्माना और जेल भी होगी, अध्यादेश पास। अध्यादेश के तहत किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर थूकने व गंदगी फेंकने या भड़काने पर 2 साल से 5 साल तक की सजा होगी, वहीं 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। तो यह अभी की सबसे बड़ी खबर जो हम से रूबरू करा रहे थे। बाकी और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा डीएसओ न्यूज़। धन्यवाद।